Hello everyone. So our today's topic is Aunt Jennifer's Tiger, written by Edwin Rich. Edwin Rich was an American poet and also an essayist, and she is a very prominent writer of late 20th century. Okay, now she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. Now, what is this contemporary women's movement? That is, this movement played important role in bringing gender issues to the forefront of development planning and defining feminist politics. And basically, if we talk in short, then this movement has addressed the issue of women education. ये जब मूवमेंट आई थी तो वहाँ पर क्या है, वुमेन्स के इश्यूज, उनके इक्वल राइट्स के बारे में बात की गई थी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट वुमेन एजुकेशन इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फॉर अदर्स. ओके, तो उन्होंने क्या है, शी इज़ एक्चुअली राइटिंग फॉर वुमेन्स, शी इज़ डिपिक्टिंग द लाइफ, द स्ट्रगल ऑफ द वुमेन इन हर पोइट्री. ओके, एंड इन दिस पोएम ऑल्सो शी इज़ एक्सप्रेसिंग the inner feeling of a woman. Okay, so she has published 19 volume of poetry, 3 collections of essay and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. जो डिफरेंस, जो हम कह डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो उनके बहुत खिलाफ थी. द पोएम Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences. एक मैरिड लाइफ में उसको क्या क्या, मतलब क्या है क्या एक्सपीरियंस करती है. इट इज नॉट एट ऑल अ स्मूथ लाइफ फॉर हर. ओके, एंड यहाँ पर जो वर्ड आंट यूज़ किया गया है, दैट मीन्स दैट लेडी इज क्वाइट ओल्ड. शी इज़ नॉट न्यूली मैरिड एंड लाइक शी इज़ डिस्क्राइबिंग हर लाइफ after so many years of marriage. Okay, so what does the title of the poem suggest to you? Agar aap title ki baat karenge to title kya suggest karta hai? Are you reminded of the other poems on tigers? Koi aur poem jo tigers pe agar aapko yaad ho, tiger ki agar aap baat kare, ek 10th class mein bhi ek poem thi, to hamesha usko kya hai, ek bahut hi strong, elegant aur powerful animal consider kiya jata hai. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आंट जेनिफर्स का टाइगर वो कैसा है, दैट वी गोना स्टडी इन दिस पोएम. ओके ओके, इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम बट गिविंग अ वेरी डीप मैसेज. सो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है, दैट इज यू नो जम्पिंग, प्लेइंग अब ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन मतलब एक वो कपड़े पे क्या है, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जिसमें वो किसको बना रही हैं, एक टाइगर को बना रही हैं. और उस स्क्रीन पे क्या है, उनका जो टाइगर है वो उछल रहा है. ही इज यू नो जंपिंग एंड प्रांसिंग का मतलब होता है टू लीप, जंप करना, उछल कूद करना. एंड ब्राइट टोपाज डेनिजन, और वो उसका जो कलर है वो बहुत ब्राइट है, चमकदार है. टोपाज एक बहुत रेयर स्टोन होता है, येलोइश कलर का होता है एंड हैज़ अ ब्यूटिफुल शाइन. और उसने क्या कहा कि उसकी जो बॉडी है वो भी, उसको यहाँ पर क्या है, मेटाफर यूज़ किया गया है, उसको टोपाज के साथ कंपेयर किया गया है. दैट दिस टाइगर इज एज ब्राइट एज टोपाज. डेनिजन मतलब जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो कहाँ पर रहता है ये ब्राइट टोपाज, that means bright tiger forest mein. They do not fear the men beneath the tree. Aur inke bare mein kya hai, inhe kisi bhi aadmi se dar nahi lagta hai. They are that powerful, in fact log inse darte hain. They pace in a sleek chivalric certainty. Aur jab ye chalte hain to sleek matlab bahut hi elegant, chivalric ka matlab bahut hi heroic entry hoti hai inki, with so much of confidence. Certainty matlab confidence, that means they are so much elegant, confident and you know powerful, bright. Yahan par unke liye words use kiye gaye hain, kiske liye, tiger ke liye. Now Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool
फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. अब यहाँ पर ये तो उन्होंने क्या है टाइगर के बारे में बताया फर्स्ट पैरा में. अब वो क्या कह रही हैं कि जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उस स्क्रीन पर, उस जहाँ पर भी उन्होंने वो उसको बना रही हैं, उनके जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग मतलब कांप रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं. उनके लिए वो आइवरी, आइवरी मतलब होता है जो एनिमल टस्क से जो बनाया जाता है, हाथी के दांतों से या फिर किसी और एनिमल्स के उससे, तो वो जो निडल है उसको पुल करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. जो इजी सा काम भी है उसको भी वो अच्छे से नहीं कर पा रही है. रीजन बी द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, जो वेडिंग रिंग उन्होंने पहनी हुई है वो उनके लिए क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इट्स अ काइंड ऑफ यू नो शी वॉज डोमिनेटेड बाई हर हजबेंड फॉर ईयर्स एंड she has no life for herself, she still fears her husband and the pattern of free fearless tiger reflect her inner desire to live a free and fearless life. Like she wanted to have a fearless life like tigers, but unki jo life hai usme kya hai bahut zyada struggle hai. Wo apne husband केस पे इतनी डिपेंडेंट है कि उसने क्या है हमेशा उसकी कमांड को फॉलो किया है, अपनी लाइफ को कभी जिया नहीं है एंड वो अपने आप को इस तरीके से उसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. हर एवरी एक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड्स कमांड एंड शी फियर्स हिम कॉन्स्टेंटली. उनका हर एक जो है मतलब उनका जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है. उनकी खुद की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए सिर्फ क्या है अपने हस्बैंड्स की कमांड्स फॉलो करना ही रह गया है और जिसकी वजह से वो हमेशा क्या है उनसे अपने हस्बैंड से डरती रही है. टिल नाउ शी वॉज जस्ट डिस्क्राइबिंग हर स्ट्रगलिंग लाइफ, हर स्ट्रगलिंग मैरिड लाइफ एक्चुअली. और उसके बाद वो क्या कह रही है, When aunt is dead, her terrified hand will lie still ringed with ordeals. वो कह रही है कि aunt की death के बाद भी उनका जो डर है वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि वो जो ring उन्होंने पहनी हुई है वो उन्हीं के साथ तब भी उनके साथ ही रहेगी. She still ringed with ordeals. She was mastered by. Mastered by यहाँ पर उसका जो husband है जो उसने उसे पूरी life उसे dominate किया है, वो जो डर है वो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि वो जो रिंग है वो अब भी उनके हाथ में ही है. एंड रिंग्ड विद ऑडियल्स मतलब शी वो जो बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनकी मैरिड लाइफ में वो अब भी उनके साथ ही हैं. ठीक है, मतलब शी नेवर गोना फॉरगेट दोज बैड एक्सपीरियंसेस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस दैट शी हैड इन हर मैरिड लाइफ. Now, on the other hand, the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. और जो tiger उन्होंने बनाया है वो अब भी क्या है that will prance proud and और वो अब भी किसी से नहीं डर रहा है, fearless है. तो यहाँ पर जो actually उन्होंने क्या है उस tiger जो बनाया है उसको वो क्या है अपनी डिज़ायर को दिखा रही हैं उसके थ्रू, दैट शी वॉन्टेड टू बी लाइक दैट फियरलेस प्राउड एंड यू नो टू डू वट शी वॉन्टेड टू डू इन हर लाइफ. बट लाइक फॉर द होल लाइफ टाइम शी वॉज कंस्ट्रेन ऑन इन दिस मैरिड लाइफ, शी वॉज फोर्स टू फॉलो द कमांड्स ऑफ हर हजबेंड, शी हैज़ नो लाइफ ऑफ हर सेल्फ एंड दैट्स वाई वो क्या कह रही है कि उनका जो टाइगर है वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है. दैट्स वाई शी मेड दिस कंपैरिजन एंड यस अगेन द पोइट वांटेड टू डिपिक्ट द लाइफ ऑफ मैरिड वुमेन दैट दे डोंट गेट द राइट ट्रीटमेंट इन एट द होम्स एंड दे लिव्ड विद द ओनली चॉइस टू लिव लाइक दैट. So, this is all about the poem. I hope you like it and do read it by yourself and do the question answers. Thank you. Have a nice day.